खबर देहरादून से है, जहां राजधानी पुलिस ने सिपाही सहित चार चोरों को गिरफ्तार किया। सिपाही चोरों के साथ मिला था और पुलिस मूवमेंट की जानकारी चोरों तक पहुंचाता था। इतना ही नहीं, ऐसा करने के लिए सिपाही चोरों से अच्छी खासी रकम वसूलता था। बता दे चले कि डोईवाला में बंद पड़ी फैक्ट्रियों में चोर लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और ऐसा करने के बाद आसानी से बचकर निकल जा रहे थे। इसमें उनकी मदद लाल तप्पड़ में तैनात सिपाही स्वप्निल श्रीषी कर रहा था। मामले में देहरादून एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि सिपाही चोरों के साथ लगातार संपर्क में था और हर स्थिति की जानकारी दे रहा था। एसएसपी ने बताया कि सिपाही को सस्पेंड कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं देहरादून पुलिस ने लोहे के एंगल, लोहे के बड़े गाटर आरोपियों के पास से बरामद किए हैं। मामले में एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं दूसरा मामला आया, जहां विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले युवक को क्लेमेंटाउन पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन, पासवर्ड और कनाडा में दुबई के फर्जी वीजा और कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बरामद किए हैं। मामले में देहरादून एसएसपी ने बताया कि सेना से रिटायर लोगों को सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कनाडा में जॉब दिलाने के नाम पर आरोपी द्वारा लाखों की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। आरोपी सनी नाहर को अरेस्ट कर पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। बता दें चले कि पहले भी आरोपी धोखाधड़ी के मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है और मामले की जांच लगातार की जा रही है। सिपाही उन चोरी के बारे में जानता था और जब चोरी होती थी तो जो अभी तक के जो प्रथम दृष्टिया है उसमें यह है कि इसके द्वारा चोरी के एवज में उन चोरों से पैसे लिए जाते थे, तो इसलिए इसका भी इन्वॉल्वमेंट पूरा का पूरा चोरी में बनता है। तो इसके चलते ही इस पर भी जो हमारा कांस्टेबल है उस पर भी कार्रवाई की गई है। देखिए, बेसिकली हमको इनपुट मिला था कि एक व्यक्ति है जो लोगों को फंसा कर उनको प्रलोभन देकर कि आपकी विदेश में नौकरी लगवाई जाएगी और उनसे पैसे ले लेता था और पैसे लेकर उनसे पैसे लेकर फरार हो जाता था। तो उसी को हमने अपना नेटवर्क के थ्रू फिर इसको गिरफ्तार किया गया, अभी गिरफ्तार किया है। जब इससे पूछताछ की गई तो इससे ये पता पड़ा कि इसने कई लोगों को इस तरीके से बहलाया और उनसे पैसे लिए और पैसे लेकर उनको यही प्रलोभन दिया कि उनको विदेश में नौकरी लगवाएगा, लेकिन उनमें से किसी की नौकरी नहीं लगवाई और पैसा अपने पास रख लिया। तो इसके पास से लगभग हमको 35 के करीब पासपोर्ट्स मिले हैं। इसके अलावा भी काफ़ी दस्तावेज ऐसे मिले हैं जो दिखाते हैं कि इसके द्वारा ये फर्जी कार्य किया जा रहा था। तो इसके खिलाफ आज हमने मुकदमा दर्ज किया है और इसको गिरफ्तार किया है। चूंकि इसके फादर आर्मी से रिटायर्ड थे तो ये ज़्यादातर उन्हीं को टारगेट करता था जो कि आर्मी से रिटायर्ड लोगों के बच्चे हैं या आर्मी से रिटायर्ड पर्सनल हैं, इसका मेन टारगेट ग्रुप वही रहता था। देखिए, बेसिकली अभी तो ये पूछताछ की जाएगी कि किन किन देशों के ये, क्योंकि वीज़ा तो इसके कनाडा और दुबई के लगाने का जो अभी तक तस्दीक हो रहा है कि इसने जो प्रलोभन दिया था वो कनाडा और दुबई भेजने का प्रलोभन दिया था, लेकिन अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन और की जाएगी और पता किया जाएगा कि ये प्रलोभन किन किन देशों के लिए देता था। क्योंकि अभी जो विक्टिम्स हैं उनमें भी अभी एक ही विक्टिम से बात हो पाई है जिसने कि मुकदमा दर्ज कराया है। इसके अलावा भी जो विक्टिम्स हैं उनसे जब बात की जाएगी तो और भी चीज़ें तस्दीक होंगी।